हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ बेस्ट हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल को रेकमेंड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन नामों को ध्यान से देखिए। हम अक्सर मिनरल ऑयल, वाइट ऑयल, पैराफिन ऑयल सुनते हैं और हम सोचते हैं अरे ये क्या चीज़ होती है। ये वो चीज़ होती है जो कि क्रिएट करती है आपके लिए हेयर डैमेज। जी हाँ, ये मिनरल ऑयल, वाइट ऑयल, पैराफिन ऑयल, ये सब पेट्रोल के बाय प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि जब पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनाया जाता है, उसका जो कचरा बच जाता है वो रिफाइन करके जो ऑयल निकलता है वो होता है मिनरल ऑयल। ये क्यों यूज़ हो रहा है इतना, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है कॉस्मेटिक कंपनी को, इस कारण से कंपनी यूज़ करती हैं इसे। और ये क्यों नुकसान करता है हमें, वो रीज़न है कि ये होता है पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट। ना हमारे स्किन इसे अब्जॉर्ब कर सकती है, इवन ये हमारे पोर्स भी क्लॉग कर देता है। मैं आज की वीडियो में किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या इग्नोर करना है और उसके बाद आपको अपनी समझ से ही फैसला लेना है। जैसा कि ये पहले प्रिंट आउट में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर कोकोनट ऑयल होने का दावा करता है, लेकिन अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें तो इसमें 79% मिनरल ऑयल है। आप सोचिए कि ये कितना हार्मफुल होगा अगर आप इसे एक बच्चे को लगा रहे हैं या इसे आप अपने बालों में लगा रहे हैं। उसके बाद भी इसके अंदर कोकोनट ऑयल सिर्फ 20% है, और उसके बाद इसके अंदर फ्रेगनेंस डाली गई है जैस्मिन का। तो जो दावा करती हैं कंपनियां कि भाई इसमें जैस्मिन का गुण है, इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रेगनेंस डाली गई है और आपको लूटा जा रहा है ये बोलकर कि आप ये तेल लीजिए और इससे आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे। ये दूसरा प्रिंट आउट है एक बहुत ही पॉपुलर आंवला ऑयल का। इसका पहला इंग्रेडिएंट है पैराफिन लिक्विडियम। ये भी मिनरल ऑयल का ही दूसरा नाम है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 60% से भी ज़्यादा मिनरल ऑयल डाला गया है। मिनरल ऑयल वाइट कलर का होता है और इस कारण से आप ये सोचिए कि इसमें ये कलर आता कैसे है। इसमें डाले जाते हैं डाइज ताकि ये ग्रीन कलर का दिखे। तो आप डबल नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने बालों को। एक तो आप मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोल लगा रहे हैं और दूसरा आप उसमें डाई लगा रहे हैं। इससे आपको बाल सफ़ेद होने की दिक्कत हो रही होगी। इवन कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनको सरदर्द की भी दिक्कत होती है। तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं है इन सब चीज़ों का? ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका सोल्यूशन। ये कुछ सोल्यूशन है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप बस ये कोशिश कीजिए कि जो आप सामान खरीदें उसमें ये सब चीज़ें आप देखकर खरीदें। आप सिर्फ आंख बंद करके ब्रांड के एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे चीज़ें ना खरीदें। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है बादाम तेल। ये पूरा 100% बादाम तेल होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। ये तेल थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ता है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को अपने बालों में लगा रहे हैं और आप इसे कई घंटों तक छोड़ते हैं। तो अगर आप बादाम तेल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बादाम तेल अफोर्ड कीजिए। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है थाइम एंड रोजमरी हेयर टॉनिक। ये जीवा का आता है। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है वो 2% ऑफ कंटेंट आपको बताती है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि इसको 100% बनाने के लिए इसमें पानी डाला गया है और ना कि मिनरल ऑयल। तो ये भी एक चेक आप लगा सकते हैं कि आप वो प्रोडक्ट लीजिए जिसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी डाला जाता है और ना मिनरल ऑयल। ये सिर्फ 145 का है, ये भी पैराबेन फ्री है। तो आप ऐसा कुछ भी देख सकते हैं अपने आपको लगाने के लिए। ये एक हेयर टॉनिक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल वैसे भी साउथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि उनके बालों की ग्रोथ और कलर कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जो ये ऑयल है वो आपको आराम से 180-170 रुपए का मिल जाता है 500 ml। ये बात सही है कि ये सर्दियों में जम जाता है, पर दोस्तों आप इसे हल्का सा चम्मच से लेके पिघला के लगा सकते हैं। इसमें भी जो क्वांटिटी है कोकोनट ऑयल की, प्योर कोकोनट ऑयल की, वो 99.99% है। उसके अलावा थोड़ा सा इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला गया है। तो 99.99% तो कम से कम आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ही लगा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा भी देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट चीज़ है दादी नानी का नुस्खा, घर का निकाला हुआ घी।
हमें पता है कि घी सिर्फ दूध से निकलता है, ये बालों के लिए होता है नरिशिंग। इसे आप एक चम्मच लीजिए, इसके अंदर आप थोड़ा सा बादाम का तेल डालिए, अपने बालों में ऐसा हेयर मास्क लगाइए और अगले दिन धो दीजिए। इसमें कोई भी ज़्यादा स्मेल नहीं आती है, आप बाज़ार का घी अवॉइड कर सकते हैं और इसे घर में ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रिकमेंडेशंस थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे नीचे बताइए। अगली बार जब भी आप तेल खरीदने जाए तो देखिए कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मिनरल ऑयल या डाई ना हो, और फिर बताइए कि आपके बाल टूटने कम हुए हैं या नहीं। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।